तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले भाई फ्रेड व्हील इवेंट के बारे में। मतलब एक फ्रेड व्हील नहीं होने वाले, बहुत सारे फ्रेड व्हील इवेंट, यानी कि दो फ्रेड व्हील इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही मस्त मस्त से रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। कौन से रिवॉर्ड होने वाले वो तो अभी आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। एंड सिर्फ दो फ्रेड व्हील इवेंट नहीं, उसी के साथ साथ बहुत ही मस्त मस्त से फ्री इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड जिनको भी मनी हाइस्ट इवेंट का इंतजार था, तो भाई वो भी रिटर्न आने वाला है। कब आने वाला है, कौन सी डेट को आने वाला है, एंड कौन कौन से बंडल्स देखने को मिलने वाले हो, सब कुछ आज की वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए सुसले के एंड तक वॉच करना है। चलो गाइस बिना किसी देखे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी गेम के अंदर आने वाले एक बहुत ही मस्त से फ्रेड व्हील इवेंट के बारे में। इसके अंदर से हम लोग को बहुत सारे वॉइस पैक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला वॉइस पैक है तुमसे ना हो पाएगा, मतलब कितना मस्ती लगता है। एंड ये बॉलीवुड का वॉइस पैक है, इसके अंदर भाई नीचे बोली बोली लिखा हुआ है। एंड सेकंड वाला है तेरा भाई संभाल लेगा, मतलब बहुत ही मस्त मस्त से वॉइस पैक देखने को मिल जाते हैं। एंड थर्ड वाला है स्वागत नहीं करोगे हमारा, मतलब बोली बोली यानी कि बॉलीवुड का वॉइस पैक है, तो बॉलीवुड पिक्चर से ये रिलेटेड ही होता है, मतलब ऐसे मूवी वगैरह से रिलेटेड होता है। एंड फोर्थ वॉइस पैक है वर्ड लग गई, मतलब बहुत ही मस्त मस्त से हम लोग को मीम्स टाइप के वॉइस पैक देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के सामने भाई ऑन करते हो तो बहुत ही मस्त लगने वाला है। एंड ये फ्रेड व्हील की कंफर्म डेट की बात करें तो गाइस ये फ्रेड व्हील हम लोग को हमारे इंडिया के अंदर 21 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाला है। 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं, तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाओ डायमंड्स वगैरह कलेक्ट करके, क्योंकि इसमें भाई 1100 से 1200 डायमंड ही लगेंगे। तो फ्रेड व्हील का तो भाई इतना कन्फर्म ही होता है, आप लोग का निकल ही जाएगा। एंड फिर चार चार वॉइस पैक आने वाले हैं, तो मतलब अगर आपको चारों चाहिए तभी 1200 डायमंड लगेंगे, वरना इजिली भाई 300-400 डायमंड में तो निकल ही जाएगा वॉइस पैक एक दो। एंड जो गाइस जब भी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अभी हम लोग वापस से बात करते हैं एक और फ्रेड व्हील इवेंट के बारे में। जी गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक फ्रेड व्हील नहीं दो दो फ्रेड व्हील हैं, तो अभी हम लोग एक और फ्रेड व्हील इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर से हम लोग को यहाँ पे भाई अराइवल एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एंड इस अराइवल एनिमेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप लोग मेरे ओल्ड व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। एंड ये काफी मस्त सा अराइवल एनिमेशन है, बट मैंने इसका सिर्फ रिव्यू कराया था, ये नहीं बताया था कौन से इवेंट में आने वाला है एंड कौन सी डेट को आने वाला है। तो कुछ इस तरीके का इस एक फ्रेड व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड बात करें इसकी कंफर्म डेट के बारे में, तो गाइस ये हम लोग को 22 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाला है। 22 अक्टूबर इसकी पूरी कंफर्म डेट होने वाली है। एंड जो गाइस अभी मैंने आप लोग को एक और फ्रेड व्हील इवेंट का तो रिव्यू करा दिया है, बट अब भी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारी गेम के अंदर आने वाले एक फ्री गन स्किन इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइस यहाँ पे हम लोग को भाई बहुत ही मस्त मस्त सी गन स्किन देखने को तो नहीं मिलने वाली, मतलब इसमें लेजेंडरी गन स्किन नहीं देखने मिलने वाली भाई, सिर्फ और सिर्फ थीम गन स्किन देखने को मिल जाती है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे AK-47 की गन स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि कोबरा के थीम पे। जैसे गाइस अभी कोबरा MP40 रिसेंटली आई थी, वैसे ही कोबरा AK-47 की स्किन हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड सेकेंड गन स्किन तो आप लोग देख ही सकते हो भाई, ये बहुत ही अजीब सा लॉन्चर होता है, जो कि भाई बहुत ही बेकार सा ही होता है मतलब ये लॉन्चर। एंड उसके बाद हम लोग को थर्ड नंबर पे भाई P90 की स्किन देखने को मिल जाती है। ये P90 की स्किन भी काफी ज्यादा मस्त है, आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये भी थीम गन स्किन है, बट ऐसे लगती तो कुछ लेजेंडरी है, भले ही इसमें एनिमेशंस वगैरह ना हो बट देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगती है। तो यहां पे AN-94 और ओक की स्किन देखने को मिल जाती है, ये सारी भी स्किन काफी ज्यादा मस्त है। तो इतनी कुछ स्किन हम लोग को भाई फ्री गन स्किन इवेंट के अंदर लॉगिन इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है, जिसका रिव्यू तो मैंने आप लोगों को करा दिया। एंड के इसकी कंफर्म डेट की 25 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है, तो तब तक आप लोग वेट करो। एंड चलो गाइस अब भी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अब भी हम लोग बात करते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है भाई स्पेशल गोल्ड रॉयल। क्या गाइस इस गोल्ड रॉयल के अंदर हम लोग को सबसे पहले भाई पेड बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि इस बार के दिवाली इवेंट में हम लोग को फ्री में देखने को मिलने वाला है। एंड उसके बाद हम लोग को यहां पे नमस्ते इमोट देखने को मिल जाता है, ये इमोट भी काफी ज्यादा मस्त है, मतलब इस इमोट का नाम ग्रीटिंग है, यहाँ पे मतलब ग्रीटिंग इमोट शो हो रहा है बट नाम इसका नमस्ते ही है। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि लेवल 1, 2, 3 दोनों तीनों में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। एंड उसके बाद तो हम लोग को एक और इमोट देखने को मिल जाता है, ये तो शायद से फ्री में ही आया था अगली बार पता ही नेक्स्ट टाइम फ्री में आया था कि कब कैसे में आया था, मुझे तो लगता है भाई फ्री इवेंट में ही ये देखने को मिला था। एंड ये तो मैंने कब का बता दिया था कि फ्री में मिलने वाला है हम लोग को इस दिवाली इवेंट में। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बंडल देखने को मिल जाता है, जिसका नाम देसी गैंगस्टर बंडल है। एंड ये हम लोग को अगली दिवाली इवेंट में देखने को मिला था, वो भी फ्री में ही मिला था, मेरी आईडी में ये ऑलरेडी है। इन कितने बार तो इसमें लक रॉयल में इसको दे चुके हैं गरीना वाले। बाकी ये भाई गोल्ड से स्पिन करने पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी मस्त। एंड बात करें गाइस इसकी कंफर्म डेट की, तो ये हम लोग को 29 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई 1 तारीख या 30 तारीख के बीच में तो दिवाली ही पड़ने वाली है, तो 29 अक्टूबर यानी कि दिवाली के एक दिन पहले ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा ये इवेंट। काफी ज्यादा मस्त इवेंट है, तो काफी ज्यादा लेट भी आएगा। एंड जो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे एक और नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस अभी हम लोग बात करते हैं
मनी हाइस्ट बंडल रिटर्न के बारे में। जी हाँ गाइस, मनी हाइस्ट बंडल हम लोगों को कुछ इस तरीके के एक रॉयल इवेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड इस रॉयल इवेंट में आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे मनी हाइस्ट बंडल है। बेसिकली ये मनी हाइस्ट बंडल जब आया था, जब भाई मनी हाइस्ट के साथ गरीना ने कोलैब किया था, तब ये बंडल हम लोग को देखने को मिले थे। बट ये वापस से रिटर्न में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे मेन मनी हाइस्ट का बंडल देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कर करके बहुत सारे बंडल्स भी हैं। बट यहाँ पे दो फीमेल के बंडल हैं, तीन मेल के बंडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मस्त है। एंड एक गुलोल की स्किन एंड पैन की स्किन एंड गन की स्किन भी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली इसकी कंफर्म डेट की बात करें तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता गाइस, वो मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी वो रिवील नहीं हुआ है। बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही वो कुछ भी रिवील होता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। एंड तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।